आर यू वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो, फटाफट यूट्यूब को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ताकि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव की क्लास स्टार्ट कर सकें। सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास में ज्वाइन हो जाइए फटाफट। सभी स्टूडेंट जल्दी से गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हमारी अभिजीत की है, इसीलिए क्लास को थोड़ा लेट कर दिया था कि आप लोगों को कॉलेज के टाइम साथ के साथ जो है कॉलेज की जो क्लास होती है उसके लिए आप लोगों की क्लास करा दी जाए, है ना। वॉइस आ रही सभी को? वॉइस किसी दिक्कत तो नहीं? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए आवाज ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस वॉइस अब ठीक आ रही है? जल्दी से आवाज़ जो है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम, वाइब्रेट हो रहा है अभी, बस एक मिनट रुकिए। अब बताइए अब सही आ रही है? साउंड अब क्लियर है? जल्दी से बताइए आवाज क्लियर आ रही है? अभी भी नो सर, क्लियर नहीं है। आवाज तो क्लियर आनी चाहिए भाई, माइक वगैरह सब लगा लिया है। माइक तो लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है? अब तो सही आनी चाहिए भाई। अब बताइए जल्दी से, अब ठीक है? अब ठीक है आवाज? नहीं, फैन बंद कर रखा है बेटा, फैन तो हमने बंद कर रखा है इसीलिए, आप लोगों की वजह से, ताकि साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फैन बंद कर रखा है। अब बताइए जल्दी से सभी लोग, जल्दी बताइए अब ठीक है? अब साउंड ठीक आ रही है? प्रॉपर है आवाज? ठीक है सर, अब ठीक है? अब ठीक है सब कुछ? हाँ अब सर ठीक है, अब ठीक है। चलिए थोड़ी सी जो है हमने अब ये मोबाइल का वो बड़ा है, थोड़ा सा अगर थोड़ा एडजस्ट करिए। अब ठीक आ रही है सभी को आवाज़? ठीक है, प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर आ रही है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है कॉलेज ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दो फटाफट, और सभी को कंपलसरी लिख दो, सभी को जल्दी से लिख दो कि भाई ज्वाइन होना कंपलसरी है क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे, निम्न में से कौन मृदा की उपजाऊ शक्ति सुधारने की विधि है? निम्न में से कौन सी मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है उसको सुधारने की विधि है? आपके ऑप्शंस हैं, बाय रोटेशनल मेथड से हम सुधार सकते हैं, बाय गिविंग रेस्ट टू लैंड, बोथ ए एंड बी। जल्दी से आप लोगों को नन ऑफ दीज, जल्दी से आप क्वेश्चंस बताइए कि भाई हमारा जो खेत होते हैं, जो फील्ड है, उस फील्ड में जो हमारी खेती होती है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्या सी? सी इज़ द राइट आंसर है भाई। एक तो रोटेशनल मेथड होता है कि बदल बदल के फसल करी जाए, पहले का मतलब। दूसरा जो ऑप्शन है गिविंग द रेस्ट, इसका मतलब है कि खेत जो है
हमारा जो खेत है उसमें हमने कोई भी फसल बोई हुई है उसको क्या है कुछ एक मतलब 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हमारी उर्वरक शक्ति है या उपजाऊ शक्ति है खेत की वो बढ़ जाती है। चलिए इसमें आपको जो है हमने 10 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन आपके इरिगेशन के हैं, 10 क्वेश्चंस आपके हाईवे से हैं और 10 क्वेश्चंस आपके सर्वेंग से हैं। तो 10 10 क्वेश्चंस हम लोग सबके करेंगे। तो बताइए निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, नगदी फसल कैश क्रॉप, व्हाट इज द कैश क्रॉप, जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है गन्ना। गन्ना जो है वो हमारा कैसा है, गन्ना एक कैश क्रॉप जो है कैश क्रॉप होती है, गन्ना जो है वो कैश क्रॉप है। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक भी करो। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से अपने अपने कमेंट्स बताओ। निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है, खाद्य, निम्नलिखित में से खाद्य जो है फसल है फूड क्रॉप्स कौन सी है, गेहूं, रबर, कपास, तंबाकू। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। गेहूं, गेहूं क्या है, गेहूं जो है एक खाद्य फसल है, बाकी जो तीन जो है ये खाद्य फसल नहीं है। तो जो ए बी सी डी, बी सी डी हमारी वो हमारा गलत हो जाएंगी, जो वीट है गेहूं वो हमारा सही आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सैलो वेल, भाई सैलो वेल का आपको डायमीटर बताना है कि सैलो वेल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, सैलो वेल का डायमीटर कितना होता है। तो यहाँ पर जो सैलो वेल का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेट वो 2 से 3 मीटर होता है, कितना अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 मीटर। शैलो वेल और डीप वेल आपने सुना होगा, शैलो वेल हमारे उथले कुएँ बोलते हैं और डीप वेल जो होते हैं वो गहरे कुएँ होते हैं। शैलो वेल्स हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ का वाटर टेबल जो है वो ऊपर होता है और डीप वेल जहाँ का वाटर टेबल बहुत ही गहराई में होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के, अप्रॉक्सीमेट डिस्चार्ज ऑफ शैलो वेल, भाई शैलो वेल का जो डिस्चार्ज है वो कितना होता है, जल्दी से बताइए। 10 से 12 लीटर पर सेकेंड, भाई 1 सेकंड में 10 से 12 लीटर आता है या 20 से 25 लीटर आता है या 3 से 5 लीटर या 1 से 2 लीटर, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डिस्चार्ज आप सभी लोग जानते हो, पानी का जो प्रवाह होता है ना उसको जो मेजरमेंट करते हैं। देखिए अरे बहुत बता रहे हो, 10 से 12, ए ऑप्शन, 1 सेकंड में सैलो वेल 10 से 12 लीटर पानी नहीं देता है और 20 से 25 लीटर भी नहीं, कितना देता है 3 से 5 लीटर, अप्रॉक्सीमेट 3 से 5 लीटर जो है पानी जो सैलो वेल के जो जितने भी वेल होते हैं कुआं वो 1 सेकंड में 3 से 5 लीटर का पानी जो है अप्रॉक्सीमेट दे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जब कई पारगम में तथा अपारगम परतों को भेद कर पानी निकाला जाता है तो कहते हैं, जल्दी से बताइए। जब हमारा पारगम में होता है, जल्दी से, जो परमिबिलिटी लेयर है और इम्परमिबिलिटी लेयर है उनको भेद कर, है ना, जैसे कभी कभी हम जो ट्यूबवेल्स करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारी इस टाइप से लेयर बनी रहती है, किस टाइप से, इस टाइप से लेयर बनी रहती हैं ये, है ना, तो इस कुछ इसमें इम्परमिबल होती है, फिर परमिबिलिटी होती है, फिर इम्परमिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हमें डीप वेल, क्या जो डीप वेल होता है वो हमारा वो कई परतों को भेद कर बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सी परतों को भेद कर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लिया जाए। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन टू वेल्स, भाई दो वेल्स जो कुआ होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताइए। ऐसे एक वेल ये है, दूसरा वेल ये है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये दूरी जो है वो मीटर में है, दूरी जो है वो मीटर में है, दूरी किस में है, मीटर में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 75 to 180 मीटर। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इस दूरी दूरी पे इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर पास में अगर हम बहुत सारे कुएं लगा देंगे तो उसका जो डिस्चार्ज है वो हमारा वो कम हो जाएगा, इसीलिए हमें जो है वेल्स जो कुएं होते हैं उनको थोड़ा सा दूर पे लगाना चाहिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो की विनीत की बात सुनो और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो।
अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओपन वेल। भाई ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप सभी को जो है कमेंट्स करना है, सभी को इस क्वेश्चंस पे लिख लो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चंस को आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सभी को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलो आठवां क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग लिख लेना उसे। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइड इन ए गंटर चेन, आप लोगों को बताना है कि गंटर चेन में कितनी कड़ियाँ होती हैं। जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइड इन ए गंटर चेन, गंटर चेन में कितनी कड़ियाँ होती हैं। सभी के आंसर आ रहे हैं ए, सभी के आंसर जो हैं वो ए आ रहे हैं, इसीलिए ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्शन ऑफ सैग, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, क्योंकि वो इसलिए हैं ताकि आपका जो रिवीजन या फिर जो आपकी जिस तरह के आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, कमेंट करना है अजीत, आपको वीडियो पर कमेंट करना है, क्वेश्चन एट का जो क्वेश्चन है आंसर उसका, उसका वीडियो में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जो सैग करेक्शन होता है वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए इलेवन क्वेश्चन पे हम आते हैं। नक्शे का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, जल्दी बताइए जो नक्शा है उसका, कैलकुलेट द एरिया ऑफ मैप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ मैप वाई प्लानीमीटर हाइड्रोमीटर बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मैप, मैप का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी हाइड्रोमीटर, सी देखिए यहाँ जो है वो प्लानीमीटर है, क्या है प्लानीमीटर, प्लानीमीटर से क्या होता है कि जो नक्शे का क्षेत्रफल है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नक्शे का क्षेत्रफल जो है वो प्लानीमीटर से ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एक गेट कैप फिटेड विथ, जो गेट कैप होता है वो किस पर फिट होता है, चेन, चेन पर, प्रिज्मेटिक कंपास या लेवल या क्रॉस स्टाफ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ए गेट कैप इज फिटेड विथ, गेट कैप किससे फिट होता है, ग्रुप में एक मैसेज डाल दो भाई, ग्रुप में मैसेज डाल दो कि क्लास चल रही है सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। ए गेट कैप फिटेड विथ, कल कॉलेज में बुलाया था और वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आते हैं, कोई क्लास ही नहीं हो पाई ठीक से, नेटवर्क का इतना इशू हो रहा था बहुत ज़्यादा कॉलेज में, तो बहुत नेटवर्क का इशू था, कोई ना ऑनलाइन क्लास हो रही। चेन, चेन जो है वो गलत आंसर है, गेट कैप फिटेड विद गेट कैप, अरे चेन में तो कोई कैप ही नहीं होता, किस में होता है प्रिज्मेटिक कंपास, गेट कैप जो होता है वो किस में होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में होता है, सभी लोग अपने आंसर सही कीजिए, गेट कैप जो होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास में फिट होता है। ठीक है, 12 का जो आंसर है वो हमारा वी है। चलिए, द सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीज, जो लेवल ट्यूब होता है उसकी जो सेंसिटिवनेस है वो डिक्रीज हो जाती है किस कारण, विस्कोसिटी इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, जल्दी से इसका आंसर बताइए। द सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीज, लेवल ट्यूब की जो सेंसिटिवनेस है वो कब डिक्रीज होती है, सभी लोग आवाज ठीक आ रही है, अब आवाज ठीक आ रही है, तो यहां पर जो है वो सी आंसर है, बोथ सी इज द राइट आंसर है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब है वो कब डिक्रीज होगी, जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, जब सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, दोनों के इंक्रीज होने पर जो सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब है वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखेंगे, पता नहीं ये माइक वगैरह तो सब प्रॉपर लगा हुआ है, चलो ठीक है, तो यहाँ सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई,
सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीज, कि जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या फिर सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तब क्या होगा, तब जो हमारी सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब की है वो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन से आपके, द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल स्टेशन, जब भी हम लेवल करने जाते हैं तो उस समय हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे कौन सी रीडिंग ली जाती है, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, नन ऑफ दीज। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। लेवलिंग सबने कर रखी है, जब भी हम लेवलिंग करने जाते हैं, किसी भी दो पॉइंटों के बीच में लेवल निकालते हैं, जब कभी भी दो पॉइंटों के बीच में लेवल या उनका निकालते हैं तो सबसे पहले जो रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड ली जाती है। क्या? बैक साइड। बैक साइड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल मेथड यूज टू मेजर, राइज और फॉल मेथड है वो क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, रिलेटिव एलिवेंस या लेंथ। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट आंसर कमेंट कीजिए भाई। राइज एंड फॉल मेथड इज यूज टू मेजर, राइज और फॉल मेथड है वो किस लिए मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, वर्टिकल एंगल। वी आंसर आ रहा है भाई वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल के लिए तो हम लोग भाई वो उसका यूज करते हैं, थियोडोलाइट का। यहाँ सी आंसर है, रिलेटिव एलिवेशन। क्या है? सी आंसर है। जो भी ए और वी आंसर जो दे रहे हैं वो गलत है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल जो है वो राइज एंड फॉल मेथड में यूज नहीं होते, वो हम लोग जो है थियोडोलाइट वगैरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है रिलेटिव एलिवेशन की राइज। अभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि राइज और फॉल मेथड जो है वो क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, तो रिलेटिव एलिवेशन। रिलेटिव एलिवेशन का मतलब होता है कि दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस, है ना, जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एलिवेशन। चलो अगला क्वेश्चन, सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डिजाइन, भाई जो सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब है वो डिजाइन किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डिजाइन। ए है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, लेंथ ऑफ बबल और लेवल ट्यूब दोनों या नन ऑफ दीज। यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ी, यहाँ पे ये देन ऑफ दीज लिखा है या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। वीडियो को लाइक नहीं कर रहा कोई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा, पता है कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस लाने में। बिल्कुल प्रांजल रघुवंशी की बात मानो भाई, वीडियो लाइक और शेयर करो फटाफट। चलो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर जो है वो रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिजाइन वाई, जो सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब जो है वो डिजाइन किसके लिए किया जाता है, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है, जो लेवल ट्यूब की जो रेडियस है उसके लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, एच आई जो है वो किसके इक्वल होती है, जल्दी से बताइए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बैक साइड प्लस फोर साइड, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड प्लस फोर साइड या रिड्यूस लेवल प्लस फोर साइड। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, ठीक है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। यहाँ सभी का आंसर सही आ रहा है, ए अनुज कुमार ये जो है वो गलत आंसर है भाई, बैक साइड, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। आरएल, अगर आरएल में अगर बैक साइड को जोड़ दिया जाए तो हमारा सही आ जाता है, क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ठीक है, बैटरी लो हो रही है भाई, इसलिए चार्जर लगा दिया था शायद, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है।
चलो इसे हटा देते हैं चार्जर को। अब ठीक आ रहा है? अब सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चंस करते हैं। 7% बैटरी रह गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेबलिंग और लेक, भाई रिवर और लेक के लिए कौन सी लेबलिंग की जाती है? रिवर और लेक, रिवर और लेक के लिए कौन सी लेवलिंग की जाती है? फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग या प्रेसिस लेवलिंग? सही आंसर आ रहा है सभी का, जल्दी से बी। बी इज़ द राइट आंसर है भाई, रेसिप्रोकल लेवलिंग। जहाँ भी अगर आपको रिवर और लेक का अगर लेवलिंग करनी हो तो वहाँ रेसिप्रोकल जो है लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 19 क्वेश्चन हम लोग तो पहुँच चुके हैं। क्लिनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग, क्लिनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, जल्दी से बताना है, एंगल के लिए, ग्रेटिंग के लिए, माइक्रोवेव के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। माइक्रोवेव का मतलब बता दें, एंगल का मतलब होता है ग्रेटिंग, ग्रेटिंग। यहाँ पर देखिए जो माइक्रोवेव है वो आंसर होगा, जो क्लिनोमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है? माइक्रोवेव के लिए। माइक्रोवेव यहाँ पर मीनिंग है कि बहुत जो छोटी डायमेंशंस होती हैं उनको जो है मेजरमेंट करने के लिए क्लिनोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मैप होता है हमारा वो मैप लगभग 4x3 उसमें आ जाता है फिट में, लेकिन हमारा जो भारत है वो कितना बड़ा है, इसीलिए किलोमीटर का यूज़ होता है वो छोटी से छोटी जो एरिया है या फिर डिस्टेंस उसको मेजरमेंट करने के काम आता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि किलोमीटर यूज़ फॉर मेजरिंग, तो माइक्रोवेव जो है वो राइट आंसर है। एवरेज एज ऑफ जनरल ट्रैफिक फॉर WBM, एवरेज एज, औसत आयु जनरल ट्रैफिक की कितनी होती है? जो WBM है, वाटर बॉर्न मैकेडम की, वो सामान्य एज कितनी होती है ली जाती? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, 2 to 4, 2 से 4 ईयर, 2 से 4 साल ली जाती है। कितना? जो WBM होती है, वाटर बॉर्न मैकेडम होती है, वो कच्ची सड़कें जिसे बोलते हैं, उनकी जो एज ली जाती है वो 2 से 4 साल ली जाती है। ठीक है सभी लोग, बिटुमन से बनी सड़क प्रतिदिन भार सहन कर सकती है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करते जाइए, बिटुमन से बनी सड़क प्रतिदिन भार सहन कर सकती है? प्रतिदिन कितना भार सहन कर सकती है? तो यहाँ पर जो है वो 1500 टन। तो ये 1500 टन जो है हमारी बिटुमन जो सड़क है वो भार सहन कर सकती हैं। ठीक है, भार सहन कर सकती हैं सभी लोग जो है। इस क्लास के बाद सभी लोग, जैसे ही हमारी जो ऑनलाइन क्लास है ये ऑफ होगी, तो हम लोग क्या है गूगल मीट का अभी सब लोगों को एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक को सबको ओपन करना, ताकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो गूगल मीट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, तो वो स्क्रीनशॉट जो है हम कॉलेज के जो ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगे, ताकि इतने बच्चों ने आज क्लास ली। तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और जैसे ही ये क्लास ऑफ होगी तो सभी लोग गूगल मीट का जो लिंक हम शेयर करेंगे उसे ओपन करना है, ताकि आप लोगों का जो क्लास है वो लग सके अटेंडेंस। चलो अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ एज शुड बी टेकन फॉर कंक्रीट रोड, कंक्रीट रोड के लिए जो हमारी लाइफ है वो कितनी है? चलिए, तो सभी के आंसर आ चुके हैं यहाँ पर।
30 मीटर, ठीक है। तो कंक्रीट के लिए 30 मीटर लाइफ ऑफ फेज होती है। अगला डोजर को और किस नाम से जाना जाता है भाई? डोजर को आल्सो नोन एज अदर नेम। डोजर का अदर नेम क्या है? जो डोजर है उसका अदर नेम क्या है? उसको हम लोग बुलडोजर भी कहते हैं। क्या? बुलडोजर, है ना, जो कि किसी दीवार या मकान वकान खसाने के काम आता है। अरे 100 साल चलती है वो, 100 साल चलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो 30 इयर्स है। 100 साल की गारंटी नहीं ले सकते ना भाई। कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 100 साल तक, किसी कोई ठेकेदार 100 साल तक गारंटी नहीं ले सकता, है ना, 100 साल तक गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए क्या है, उसकी जो है वो 30 इयर्स रखी है। 30 साल तक जो है कंक्रीट रोड की थोड़ी रहती है, लेकिन 100 साल तक कोई भी गारंटी नहीं लेता। तो बुलडोजर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एंगल डोजर जो है वो क्षैतिज दिशा में कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है? जो एंगल डोजर जो भी एंगल डोजर होता है हमारा, उसको कितने एंगल तक घुमाया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। जो एंगल डोजर होते हैं, जो भी रोड्स हम जब जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहाँ पर जो यूज़ होता है वो जो एंगल डोजर, तो 30 डिग्री तक जो है उसको मूव किया जा सकता है। कितने डिग्री तक मूव किया जा सकता है? 30 डिग्री तक मूव किया जा सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चंस फटाफट करते रहेंगे। सड़क रोलर किस काम के लिए प्रयोग होता है? जो रोड रोलर होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोड रोलर फॉर रोड्स? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोड रोलर? देखिए, रोड रोलर का जो यूज़ है वो किस लिए होता है हमारे सड़क पे? कॉम्पैक्शन के लिए, एक्सकवेशन के लिए, ड्रिलिंग के लिए, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका कॉम्पैक्शन के लिए, कि जो भी हमारी रोड पे जो फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग करते समय जो मिट्टी हम लोग डालते हैं या जो कंक्रीट होती है, तो रोड रोलर क्या होता है, उस पर जब चलाया जाता है, ये उसमें बड़े बड़े व्हील्स टाइप में लगे रहते हैं, तो मिट्टी को क्या करते हैं, वो कॉम्पैक्ट करते हैं। तो रोड रोलर हमेशा याद रखेंगे, रोड रोलर का जो काम है हमारे रोड्स के लिए वो कंपैक्शन ऑफ रोड, रोड को शहनन या धसाना। द पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन यूज फॉर डिटरमाइन, जल्दी से क्वेश्चंस बताइए, जो पेनेट्रेशन टेस्ट है बिटुमन पर वो किस लिए करते हैं, उससे क्या फाइंड किया जाता है? पेनेट्रेशन टेस्ट से क्या फाइंड किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ग्रेड। क्या? पेनेट्रेशन का जो यूज़ है वो ग्रेड फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा 80x100 लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 80x100 ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। तो 80 क्या है, ये मिनिमम है, क्या है, ये मिनिमम है और ये मैक्स है, ठीक है। 80 क्या है, मिनिमम पेनेट्रेशन वैल्यू, और 100 क्या है, मैक्सिमम पेनेट्रेशन वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आओ, द कलर ऑफ द लाइट यूज फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग द फॉग, भाई कोहरे के समय में किस रंग की जो है रोशनी है वो उसका यूज़ करते हैं? द कलर ऑफ द लाइट यूज फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग द फॉग, कोहरे के समय में किस प्रकार के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है येलो। भाई येलो जो है पीले कलर का जो प्रकाश है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉग के समय में, जब बहुत अधिक ठंड होती है और जब कोहरा पड़ता है तो कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए क्या होता है, कुछ जो हमारी व्हीकल्स होते हैं या जो रोज अप डाउन करते हैं वो येलो लाइट का यूज़ करते हैं। येलो लाइट में क्या होता है कि जो कोहरा होता है वो उसमें थोड़ा सा दिखाई दे जाता है। चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जनरल रोलिंग ग्रेडियंट ऑन कंक्रीट अकॉर्डिंग टू कंक्रीट वो सॉरी अकॉर्डिंग टू IRC, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जनरल रोलिंग ग्रेडियंट, जो जनरल रोलिंग ग्रेडियंट है अकॉर्डिंग टू IRC उसका कितना है? तो यहाँ पर जो है 1 in 30 degree है, याद रखेंगे 1 in 30 degree है अकॉर्डिंग टू IRC, जनरल रूलिंग ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू IRC के डिसाइड किया गया है, वो किया गया है 1 in 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CVR परीक्षण में CVR का मान कितने धसने पर ज्ञात किया जाता है? देखिए, जो CVR टेस्ट है, जो CVR हमारा टेस्ट है CVR, इसमें क्या होता है, एक बिटुमन हमारी 100 ग्राम
100 ग्राम की, 100 ग्राम की निडिल होती है, कितना 100 ग्राम की निडिल होती है, उस पर रीडिंग लगी रहती है। तो ये जो रीडिंग, जैसे ही इसका जो टेम्परेचर हमारा, इसको अच्छे से कराएं, जो पेनेट्रेशन है या फिर जो सीवीआर टेस्ट है, इसको बोर्ड पे आप लोगों को बताएंगे, एक वीडियो इस पर बनानी है, सीवीआर टेस्ट पर बनानी है और एक वीडियो जो है पेनेट्रेशन टेस्ट पर बनाती है। तो यहाँ पर जो है 2.5 mm और 5 mm, हमारी जो निडिल है वो अगर 2.5 mm अंदर धस गई है तब वहाँ पर रीडिंग हम नोट करते हैं। हिमांशु सीवीआर, देखिए सीवीआर जो है वो कैलिफोर्निया वेयरिंग रेशियो होता है। क्या होता है? कैलिफोर्निया वेयरिंग रेशियो। इसको जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया जो उनका शहर है वहाँ पर इसे डेवलप किया गया था 1928 में। 1928 में जो है सीवीआर टेस्ट को डेवलप किया गया था, किसके लिए? हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, जो हाईवे में रोड्स बनते हैं उसको थिकनेस को ज्ञात करने के लिए। अभी अभी जस्ट इसी पर तुरंत इसके क्लास के बाद ही हम लिंक शेयर करेंगे और सभी को ज्वाइन हो जाना है, सभी को ज्वाइन होना है ताकि जो है आप लोगों की अटेंडेंस हो सके। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन, बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी को पता होना चाहिए भाई, बिटुमन की कितनी होती है? 1.09 स्पेसिफिक ग्रेविटी। जल्दी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बिटुमन की कितनी होती है? 1.09 1.09 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सभी लोग जो है क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे से रीड कर लीजिए और पीडीएफ हम इसको अभी आपके जो ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगे, इसकी पीडीएफ बनाकर। तो सभी लोग क्वेश्चंस करिए और अभी जस्ट तुरंत ही जो है आप लोग व्हाट्सएप खोलिए, वहाँ पर हम लोग लिंक शेयर कर रहे हैं गूगल मीट का, आप लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे रहे आज के, जल्दी से फीडबैक दे दीजिए फटाफट, क्वेश्चंस कैसे रहे आज के? 30 क्वेश्चंस आपने करे तो कितने क्वेश्चंस कर पाए आज के 30 में से कितने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस कैसे हैं? वेरी गुड भाई, हर हर महादेव, सुपर, थैंक यू जतिन सैनी, वो जतिन सिंह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ बेटा, फ़ोन डाउन होने वाला है, बस 3% बैटरी रह गई है, बस 3% बैटरी रह गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, सबको हर हर महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की क्लास के लिए, सभी को धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।